नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। फिर से हाजिर हूँ एक नए जानवर के। गुरु है, गुरु कृपा भी है, गुरु मंत्र भी है, इतना जप करने के बाद भी देवताओं के दर्शन ना होना क्या कारण है, कहाँ पे गलती होती है? गुरु मंत्र होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपसे गलती होना, गुरु मंत्र में गलती है या आपके ऊपर को चल लिया है या गुरु की तरफ से कोई बंधन लग रहा है या आपकी तरफ से बंधन लग रहा है, सर्वप्रथम आपको इस वीडियो में बनाया। सर्वप्रथम एक निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, तीनों चैनल को जरूर ना शुरू शुरू चल। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरे गुरुवा को चला गुरु ने किसी जैसे मत फंसना। और कोई भी मंत्र तंत्र करने से पहले पूर्ण रूप से गुरु का होना अनिवार्य है। मेरे दर्द की क्रिया करने से पहले मेरे ओरदन धोने पे आपने अरदास लगवानी है, वह प्रसाद खर्चा आपने भेजना है उसका, तभी आपने विधि समझे, तभी आपने इन मंत्रों का प्रयोग करना। मेरा काम सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म, नाथ संप्रदाय और अथवा बोध देवी देवताओं का प्रचार करना। तो मैं जो भी यहाँ पे चीज़ देता हूँ अपने ज्ञान के आधार पर देता हूँ, किसी धर्म या किसी व्यक्ति या किसी की मान मर्यादा को भंग करने के लिए वीडियो नहीं बना। मेरा काम ज्ञान देना, तो आपने भी ज्ञान के लिए इन वीडियो का प्रयोग करना और पूर्ण रूप से गुरु आज्ञा से ही इन वीडियो को करना, नहीं तो आपने ज्ञान के माध्यम से इन वीडियो को देखना और ज्ञान लेने की आपने कोशिश करनी है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पेड ग्रुप में आ रहे हो, पर मंथ फीस हो 1150 है। और जो लोग गुरु मंत्र के बिना चल रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, साधना सिद्धि में तो उनको सफलता मिलना असंभव है, वो तो सफल नहीं हो पाएंगे। जिन लोगों के घर में पहले से सेवा चल रही है उनको चौंकी भी मिल जाएगी, उनके सिर पर देवता खेलने भी लग जाएगा, लेकिन वचन पूरे होने की जो संभावना है वो भी उनकी वो बोलते ना कि 10% 20% ही होती है, 80% उनके वचन पूरे नहीं होते। क्योंकि जिसके पितर पहले से ही या जिसके सेवादार पहले से पूजा कर रहे हैं या, तो वो लोग किसी को आगे अपने आने वाली पीढ़ी को ज्ञान नहीं देके जाते, बता के नहीं आते। कुछ लोगों के पास मंत्र होते हैं लेकिन मंत्रों के बाद क्या करते हैं वो कि उनको जो अनुभव होते हैं, देवता के कुछ वचन होते हैं, देवता के कुछ नियम होते हैं, वो नियम आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जिस व्यक्ति के साथ बात करते हो बार बार, यानी कि 10 जगह पे भटकना बोल सकते हैं, 10 गद्दियों पे जाना, गद्दियों पे भटकना बार बार, और आपने वो चीज़ हर एक को बता देनी, तो उससे भी देवता की कहीं ना कहीं नाराज़गी आ जाती है। जप करने के बाद भी अनुभव ना होना या जप करने के बाद भी इतना जप देने के बाद, तप देने के बाद, शरीर पे दुख कष्ट लेने के बाद भी आपको देवता के दर्शन ना होना, तो ये कमी ना तो गुरु में है ना गुरु मंत्र में कमी है, या आपके ऊपर कमी है। यहाँ पे दो कंडीशन लागू होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर गुरु ने गुरु मंत्र दिया तो जेन्युइन में वो गुरु मंत्र है भी है कि नहीं है, पहली बात तो ये आती है। अगर तो उसने ये बोल दिया कि आप ओम नमः शिवाय जप लो, या आप शिव शिव जप लो, या आप कुछ और जप लो, या उसने कोई आपको वैदिक मंत्र पकड़ाया हुआ है, तो वो फिर आपको ज़्यादा जप के बाद ही दर्शन देगा, क्योंकि वो एकदम से जप से नहीं देगा। हाँ, शावरी विद्या को पाठ है जिसमें कि ओम शिव गोरक्ष है या शिव गोरक्ष है या ओम शिव गोरक्ष योगी है, ये मंत्र दिए जाते हैं, तो इनमें क्या है, इनको आपको 4 से 7 डेज यानी 4 से 7 दिनों के भीतर आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है, ये आपको अनुभव देना चालू कर देता है। लेकिन ये जप के ऊपर भी डिपेंड करता है, तकरीबन आपका डेली का जप 1000 से ऊपर होना चाहिए, यानी 1000 से ऊपर जप होना चाहिए। जैसे आप 5000 क्रॉस करते हो तब तक आपको स्वप्न में कुछ ना कुछ दिखना चालू हो जाता है, जिसमें देवताओं का दर्शन, कुछ खिचड़ी दिखनी चालू हो जाती है, जो लोगों को समझ में नहीं आती, पर वो देवता के दर्शन ही होते हैं। क्योंकि देवता जब वो बोलते ना कि एक स्वरूप में है नहीं, जब ये कला 16 कला संपूर्ण बोल सकते हैं, 33 कोटि वो बोलते हैं ना देवी देवता हैं, 64 कला विद्या संपूर्ण, तो इनकी जो कलाएं हैं वो बार बार ही दिखाते हैं, ये अपनी माया। और आपको वो बोलते हैं ना कि आप जब भक्ति करते हो, कर्म करते हो, तो कर्म में आपको कई प्रकार की वो बोलते हैं ना कि ये आपको शक्तियाँ या प्रदर्शन बोल सकते हैं या अपने उपस्थिति बोल सकते हैं या अपने जो इनके गण होते हैं वो आपके पास आते हैं और वो अपनी माया आपको दिखाते हैं। जप करने के बाद भी आपको अनुभव ना होना या आपको स्वप्न में ना दिखना, तो उसका पहला कारण होता है नियम। या तो आप ब्रह्मचार्य बार बार खंडित करते हो, या ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करते हो तो फिर नित्यनेम के आप पक्के नहीं हो। नित्यनेम में ऐसा है कि जिस बंदे ने पूजा करनी है, मन है चाहे नहीं है, वो पूजा के लिए माला फेरता है। अगर आप माला ही नहीं फेर पा रहे हो, आपका मन नहीं है, या आप माला जब फेरते हो तो आपका ध्यान इधर भटकता है, आप उड़ जाते हो 1 मिनट में, तो ये आपकी गलती है। देवता तो आपका मन फेरेगा, परीक्षा लेगा। ये कठिनाइयाँ कुछ दिनों के लिए आती हैं, जिसमें बोल सकते हैं 3 दिन आपका मन खराब रहेगा, 4 दिन रहेगा। साधना काल में मन आपका उदास भी होगा, आपको ऐसे भी लगेगा ये संसार क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है देवता की तरफ से ही होती हैं। देवता आपको कई प्रकार की वो मतलब विभिन्न प्रकार के स्टेजों में डालेगा, लेकिन आपने डरना नहीं है। जो लोग संकल्प लेने के बाद संकल्प को पूर्ण करते हैं, तो 42 डेज में ही उसको दर्शन, यानी कि 42वें दिन ही उसको इसका रिजल्ट मिलता है। तो गुरु मंत्र और गुरु की गलती नहीं होती, यहाँ पे चेले की ही गलती होती है। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।